तो गुरु लोग अदर में कंकी इंडिया का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार आने वाला है जिसने हमें पहला सुपर हीरो दिया था, तो आप शायद ही यकीन करोगे। हाँ भाई, भले ही फाइटर थोड़ी एवरेज मूवी निकली, पर इस बंदे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसे इनकी क्लासिक एक्टिंग के लिए भी जाना जाता है, जहाँ कहा जाए कि हमारे ऋतिक भैया क्लासिक एक्टर के साथ साथ एक चार्मिंग एक्टर भी है, और जनता सिर्फ इनको देखने के लिए थिएटर में भीड़ लगा लेती है। जब बॉलीवुड में किसी को यहाँ तक नहीं पता था कि सुपर हीरो होता क्या है, तब इन्होंने हमें एक प्रिश मूवी दी। फिल्म हिट रही, बॉक्स ऑफिस के मार्ग भी खुल गए मित्र। बस जैसा कि जनता फिल्मों के नए नए एक्सपेरिमेंट मांगती है, वैसे ही बॉलीवुड में कुछ ही स्टार्स हैं जो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हैं। खैर, इनकी आने वाली कुछ फिल्मों का अपडेट सामने आया है, जहां हम एक नजर घुमा के देख लेते हैं। वॉर टू शूटिंग अभी चल रही है स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, लॉस एंजलिस एंड कैलिफोर्निया में, जहां मुंबई में भी वो कुछ तीन शूट करेंगे, और इसे डायरेक्टर कर रहे हैं अयान मुखर्जी। और ऋतिक के अपोजिट में दिखेंगे हमारे जूनियर NTR, जिन्होंने इंडिया को ऑस्कर दिला दिया है गुरु। चार 2025 क्लास तक ये फिल्म बवाल मचाएगी, तो कमर कस लो भैया। बाकी तो भाई दूसरी फिल्म के लिए कुर्सी की भी पेटी बांध लो, क्योंकि इस फिल्म के बाद शायद तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ जाए और तुम्हें अपनी आंख पर भरोसा भी ना हो, क्योंकि सोर्सेस का कहना है कि क्रिश पोर की स्क्रिप्ट लगभग कंप्लीट हो गई है, जहां राकेश रोशन का कहना है कि वो शायद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। वो किसी ऐसे काबिल डायरेक्टर की तलाश में है जो VFX और क्वालिटी मेंटेन रखे। उन्होंने क्रिश पोर की स्क्रिप्ट पर यहां तक दावा किया है कि सिर्फ 15 मिनट की फिल्म देखने पर ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, यह तो एक ऐसा आर्ट है जो हॉलीवुड अपनी फिल्मों में भी कम दिखा पाता है। पर जनता जनार्दन चाहती है कि हमें तो डायरेक्टर राकेश रोशन चाचा ही चाहिए, क्योंकि अगर यह नहीं मिले तो अयान मुखर्जी और प्रशांत वर्मा से भी हम काम चला लेंगे, जिन्होंने हमें ब्रह्मास्त्र और हनुमान जैसी कल्ट VFX वाली शानदार फिल्में दी हैं। बाकी करण मल्होत्रा हमें कुछ हजम नहीं हो रहा। वहीं जहां क्रिश 4 की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद फाइटर का सीक्वल भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, पर शायद इसके पहले हमें पठान वर्सेस टाइगर देखने के लिए मिल जाए, जहां फिल्म में ऋतिक भैया का किरदार बिल्कुल दमदार तरीके से स्क्रीन पर बवाल मचाते हुए दिखेगा गुरु। पर भाई यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, जहां मैं आपको कुछ र्यूमर्स बता दूं। यही KGF 3 में ऋतिक भैया की कास्टिंग को लेकर खूब र्यूमर्स चल रहे हैं, जो कि ठीक सही भी हो सकता है, जहां मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि फिल्म को KGF 3 के मेकर्स एक नई पहचान देना चाहते हैं, जहां उन्होंने ऋतिक भैया का नाम सजेस्ट किया है। पर यहां फिल्म में हीरो तो हमारे लेजेंड यश ही होंगे, पर ऋतिक भैया इनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और विलेन का किरदार निभा सकते हैं। पर इसको थोड़ा सा लाइटली लेना, क्योंकि अभी सिर्फ मेकर्स ने ऋतिक भैया का नाम आगे ही किया है, अभी सिलेक्शन होना तो बाकी है गुरु। बाकी अब मैं इसके बाद जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, वो बाहुबली के बाद इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। हाँ भाई, राजामौली के फादर अनाउंस कर चुके हैं कि वो महाराणा प्रताप की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि फिल्म में महाराणा प्रताप का किरदार यह तीन लोग ही निभा सकते हैं। पहला है हमारे ऋतिक भैया, दूसरे है रणवीर और तीसरा है प्रभास। बाकी इस फिल्म को आने में अभी बहुत टाइम है, और डायरेक्टर भी अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। शायद हो सकता है कि इसे डायरेक्ट हमारे द लेजेंड डायरेक्टर राजामौली ही करे। बाकी अभी इतना आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में शक्तिमान कर्ण जैसी फिल्मों के नाम के लिए भी ऋतिक भैया का नाम लिया जा रहा है। खैर, देखते हैं ऋतिक भैया कौन सी फिल्म करेंगे और कौन सी फिल्म को लात मारेंगे। बाकी हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जय श्री राम।